हेलो, मैं उपासना शर्मा हूँ। त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ देश भर में जगह जगह प्रदर्शन, हजारों हिंदू भी शामिल, तो कौन कर रहा है दंगा? साथियों, हम कुछ दिनों से गोदी मीडिया के अलावा हर सोर्स से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि त्रिपुरा में विशेष कम्युनिटी यानी मुसलमानों को टारगेट कर हिंसा फैलाई गई, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह लोग जमा हो रहे हैं, सरकार को हिंसा रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं। आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, मुसलमानों के घरों को आग के हवाले किया गया, खबर है कि मस्जिदों को तक जलाया गया। इस हिंसा के विरोध में प्रदर्शन में हमें भारत का दर्शन हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना, इस हिंसा के विरोध में प्रदर्शन में हजारों हिंदुओं ने सहभाग लिया और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म ज्यादती को रोकने के लिए हमेशा की तरह आवाज बुलंद की। यही है हमारी भारत की संस्कृति। अब सवाल यह उठता है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए हिंदुओं का प्रदर्शन, तो फिर दंगे करवाने वाली घटिया कौम कौन है? आप समझ ही गए होंगे। तो हम सभी भारतीयों से अपील करते हैं कि इस हिंसा को हिंदू मुसलमान का रंग ना दे। यह काम देश में नफरत का जहर घोलने का काम करने वाले नफरती चिंटुओं का है। सभी देशवासियों का फर्ज बनता है कि देश अमन कायम रखे। आइए, कुछ हिंदू भाइयों और हमारी प्यारी हिंदू बहनों ने क्या कहा, हम सुनते हैं। आप देख रहे हैं SD24। लगातार अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहे और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो, मैं उपासना शर्मा हूँ। बेसिकली यहाँ पे आने की एक वजह है कि जो भी त्रिपुरा में हो रहा है वो कहीं ना कहीं एंटी ह्यूमन है। उसको किसी धर्म या जात से देखने की बजाय उसको इस चीज से देखें कि वो ह्यूमैनिटी को किस तरह से किल कर रहा है। मैं एक हिंदू हूँ, एक ब्राह्मण लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज के लिए लिटरली शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी का धर्म देखकर और उसके साथ इतना ज्यादा ब्रुटैलिटी करते हैं। हम लोग मौजूद हैं त्रिपुरा भवन के सामने। यहाँ पर हो रहा है काफी बड़ा प्रोटेस्ट। एक सिटीजन्स कॉल दिया गया था आज दिल्ली में। त्रिपुरा में हो रही एंटी मुस्लिम जो हिंसा चल रही है, जो मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, जो मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट आज दिल्ली में दिया गया था और सिटीजन्स ग्रुप्स ने इसका कॉल दिया था। वहीं से हम आपको प्रोटेस्ट मार्च की रैली दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम इसलिए आए हैं, त्रिपुरा के अंदर जो मुसलमानों पर और मस्जिदों पर जो हमले किए जा रहे हैं, नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, इसके खिलाफ हम त्रिपुरा सरकार के खिलाफ, विपल देव के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ जल्द से जल्द कानून बहाल हो, जल्द से जल्द वहाँ पे जल्द से जल्द लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में आए। हम यहाँ पर है ताकि जो अभी त्रिपुरा में हिंसा हो रहा है अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ, उनके जो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है और उनके जो दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उसको बचाने के लिए, उसको सेफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया। यहाँ पर क्यों आए हैं, किस तरह का हिंसा चल रही है त्रिपुरा में? पिछले एक हफ्ते से जो हो रहा है और मुसलमानों को जिस तरीके से वहाँ पे घरों को जलाया गया, मस्जिदों को जलाया गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई और जिस तरह से रैलियों के अंदर खुले आम वहाँ पे सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रही है, हम डिमांड कर रहे हैं कि सरकार और जो इन्फोर्मेंस अथॉरिटीज हैं वो एक्शन लें और इन सब चीज़ों को रोके फौरन। और जिन लोगों ने इस तरह की जो की है, तोड़ फोड़ की है और जो सब कुछ किया है, उसके खिलाफ फौरन एक्शन ले, ये हमारी डिमांड है। यहाँ पर लोग यही अपील कर रहे हैं कि अमित शाह की सरकार और उनकी होम मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने त्रिपुरा पर बिल्कुल साइलेंस मेंटेन किया हुआ है। वो एक इस्लामोफोबिक अप्रोच से इस मुद्दे को देख रहे हैं और उनकी चुप्पी वो तोड़ें और जवाब दें कि आखिर पूरे स्टेट में इस तरह का वायलेंस आखिर क्यों होने दिया गया और इतना लंबा वो वायलेंस क्यों चल रहा है, उस पर अभी तक होम मिनिस्ट्री बिल्कुल चुप क्यों है। त्रिपुरा
त्रिपुरा में आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से बहुत से मस्जिद तोड़े गए हैं, बहुत सी दुकानें जो हैं वो वैंडलाइज की गई हैं, और ये मुद्दा तब शुरू हुआ था जब वहां पर एक प्रो हिंदू जो रैली थी बांग्लादेश में, जो हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही थी उसके समर्थन में, हिंदुओं के समर्थन में वहां पर रैली शुरू हुई थी, और VHP और राइट विंग जो संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन, उन्होंने वहां पर रैलीज निकाली थी, जिसके बाद से नॉर्थ त्रिपुरा में ये हिंसा भड़क रही है। यहाँ पे त्रिपुरा भवन पे हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं कि लगातार जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में त्रिपुरा के अलग अलग जगहों से खबर आ रही है मस्जिद जलाने का, जो मुस्लिम शॉप ओनर्स है उनको अटैक करना, उनके दुकानों को वैंडलाइज करना, और सिलसिलेवार तरीके से इस देश में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों पे अटैक बढ़ रहा है और कोई जस्टिस नहीं है। एक भी केसेस अभी तक नहीं सुनने में आया जहाँ पे अरेस्टिंग्स हुई है, जहाँ पे पुलिस आके रोकने की कोशिश की है। पूरा ये VHP विश्व हिंदू परिषद के गुंडों के द्वारा किया गया है, और लगातार RSS BJP इसको अटैक्स हो, और उसमें जो अटैक कर रहे हैं उनको बाद में कोई पद सरकार में या मिनिस्ट्री में दिया जाए, और ये बिल्कुल स्टेट इम्प्यूनिटी के साथ ये अटैक्स हो रहा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। यहाँ पर त्रिपुरा भवन के बाहर आंदोलन जो है वो लोगों का चल रहा है, हम लगातार आपको सुना रहे हैं कि लोग क्या अपील कर रहे हैं, पर उसी के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है इन्हें त्रिपुरा भवन के सामने, मानिक सरकार थी कभी वहाँ पे दंगा नहीं हुआ, विपिन देव के आने के बाद दंगा क्यों हुआ? ये सरकार गृह मंत्री निकम नहीं है, प्रधानमंत्री निकम नहीं है, ये बात करेगा अलग अलग तरह का कानून बनेगा, मतदान करेगा, मगर मेन मुद्दा इससे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ VHP दोषी है, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, RSS दोषी है, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, कहाँ गई वो सरकार? बाजी चल रही है, बहुत सारे सिटीजन ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं, और त्रिपुरा में चल रही सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में यहाँ लोग उतरे हुए हैं। आज पिछले एक हफ्ते से त्रिपुरा में वायलेंस चल रहा है, और VHP और BJP से जुड़े हुए हिंदुत्ववादी संगठन एंटी मुस्लिम वायलेंस को अनलीश कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो वो बैरिकेड के बाहर ही लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो है हिंदुस्तान के मुसलमान कौन से किसके ऊपर हमला कर रहे हैं, किस जगह उन्होंने जो है किसी मंदिर के ऊपर हमला किया है, किसी के ऊपर हमला किया, बल्कि जहाँ कहीं भी हुआ पाकिस्तान में मंदिर पर हमला हुआ, या कहीं पर भी मंदिर पर हमला हुआ, या किसी के ऊपर भी जुल्म होता है पूरी दुनिया के अंदर, हम उसके खिलाफ हैं, और हम उसके खिलाफ खुल के बोलते हैं और दिल से बोलते हैं, किसी के कहने से नहीं बोलते, हम उसके खिलाफ हैं इसलिए बोलते हैं। तो हम त्रिपुरा भवन के सामने हैं, दिल्ली पुलिस इस्लामोफोबिक है और नरेंद्र मोदी की सरकार इस्लामोफोबिक है, ऐसे यहाँ पर नारे लग रहे हैं। लगातार द वायर पे हम आपको अपडेट्स देते आए हैं कि त्रिपुरा में किस तरह की स्थिति बनी हुई है और किस तरह का यहाँ पर विरोध हो रहा है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आज कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रुप्स, एक्टिविस्ट्स और कॉमन जो नागरिक हैं, जो परेशान हैं इस तरह की जो स्थिति बन चुकी है कम्युनल वायलेंस की, कम्युनल हेट्रेड की, उसके लिए लोग यहाँ आए हैं। अगर आपसे राजनीति करना है तो ऐसी राजनीति पर आपकी सरकार गिर जाएगी। ये 2022 में ट्रेलर है।
22 से पहले चुनाव में बीजेपी को जाना है तो कहीं ना कहीं डाइवर्टिवर की राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है कि 22 में हमारी दाल गलने वाली नहीं है, फिर हम राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, 24 चले जाएंगे। अचानक हमारे पीछे हम देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर काफी ज्यादा बैरिकेडिंग कर दी है। वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको त्रिपुरा भवन में नहीं जाने दे रहे हैं। उसके बाहर जो ये आंदोलन होने वाला था उसे यहीं पर रोक दिया गया है बैरिकेड्स के सामने। और काफी ज्यादा भारी संख्या में जो पुलिस है यहाँ पर मौजूद है और लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। त्रिपुरा भवन से हम लाइव हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रुप इकट्ठे हुए हुए हैं इस समय और सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आई थी यहाँ पर कि बताया जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर कुछ लोगों को वहां पे कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये भी सामने दूसरी न्यूज़ आ रही है कि वहां की गवर्नमेंट ने जो प्रदर्शनकारी थे जिन लोगों ने वहां मासूम लोगों को मारा था उन लोगों ने वहां पे पुलिस ने तकरीबन 10 लोगों को गोली भी मारी है, ये भी न्यूज़ आ रही है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश होती है कि वहां पे हिंदुओं के साथ हुआ है, यहां त्रिपुरा के अंदर हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों को आग लगा दी जाती है, यहाँ दंगे हो जाते हैं, लोगों को मारना कार्यक्रम शुरू हो जाता है ऑर्गेनाइज वे के अंदर और पूरी तरीके से चलाया जाता है। सवाल ये है कि ये पड़ोसी मुल्क के अंदर एक घटना घटती है, ये हिंदुस्तान के विश्व हिंदू परिषद को क्या खुजली हो गई कि इन्होंने यहाँ के मुसलमानों को मारना इवन मस्जिदों को जलाना शुरू कर दिया। ये सवाल हमारा यहाँ है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और प्रोटेस्ट हमारा शांतिपूर्ण, तो हमें गुस्सा है और हम लोग अपने एक लीगल टर्म के अंदर जो भी हम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी है। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो यही बात बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी है। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी शामिल हैं और स्टूडेंट्स ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। लगातार द वायर पे हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं इस सिटीजंस प्रोटेस्ट की। हम यहाँ पर 3 बजे त्रिपुरा भवन के बाहर एक कॉल दिया गया था आप लोग यहाँ से जल्दी से जल्दी आप लोगों के हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो त्रिपुरा में हिंसा हो रही है स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ और एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है।
कि किस तरह से वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है लोगों पर, और कोई उसके लिए कुछ बोल नहीं रहा है। सरकार में बैठे हुए लोग भाजपा के, चाहे वो त्रिपुरा सरकार के लोग हो या सेंट्रल में केंद्र में जो बैठे हुए भाजपा के सरकार है, गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, वो ऐसे सब खामोश है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है और हम डिमांड करते हैं कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री इस मामले में इस्तीफा दें, क्योंकि ये उनकी नाकामी है, उनका निकम्मापन है, और कहीं ना कहीं उनकी खामोशी ये जाहिर करती है कि वो लोग इस सब में कहीं ना कहीं शामिल हैं, उनकी शह पर ही ये सब हो रहा है। नाम शेख गुलाम जिलानी। हम यहीं पे आप ये लाइव को समाप्त करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा भवन के सामने यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक बड़े रूप में यहाँ पे लोग सामने आकर ये कह रहे हैं कि वो धर्म निष्पक्षता की राजनीति का समर्थन करते हैं और हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं और किस तरह से वो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ लोग आए थे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी अब की बात।